रिसेंटली हमारे चैनल पे कमेंट आता है और वो जो भाई है वो बोलते हैं कि क्या भैया रियली मोनस्टैक डेड है, और मैं अचानक सुन के शॉक हो जाता हूँ बिकॉज यार ऐसा कमेंट मुझे पहले कभी नहीं आता। तो फिर मैं जाता हूँ यूट्यूब पे सर्च करता हूँ कि क्या चेंजेस हुए हैं, मेरे कुछ दोस्तों से बात करता हूँ, जब यूट्यूब पे सर्च करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि तनय भैया ने एक वीडियो रिलीज़ की है कि इज़ मोनस्टैक डेड और वो क्या करना चाहिए वो बताया उनके उन्होंने। फिर मैंने कुछ मेरे दोस्तों से कांटेक्ट किया एंड मुझे पता चला कि यार इस टाइम पे तो हमारे कॉलेज में जो बच्चे ग्रेजुएट हुए उनके लिए प्लेसमेंट भी नहीं आई है। तो मैं रियल में सोच में पड़ जाता हूँ और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज मेरे जो ऑडियंस है, मेरे चैनल पे जो ऑडियंस है वो मोनस्टैक सीखने के लिए आती है और मेरे हर एक प्रोजेक्ट को देखती है और हर एक चीज़ को समझती है। तो यार मुझे मेरे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको अवेयर करना कि क्या वो जो सीख रहे हैं वो रियली बेनिफिशियल है या उनको चेंज करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम वही बात करेंगे कि पहले क्या मोनस्टैक डेड है, दूसरी चीज़ अभी हमें क्या करना चाहिए और कैसे इस चीज़ को ओवरटेक करना चाहिए अगर मोनस्टैक डेड है तो, एंड तीसरी चीज़ कि कैसे हम इसे अर्न कर सकते हैं सिंपल, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं सब इसके लिए कर रहे हैं, राइट। अब सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मोनस्टैक डेड है? तो भाई इसका आंसर हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है, क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। अब देखो यार हमने बहुत सारे मार्केट्स का भी एक्सप्लोर नहीं किए, हमने इंडियन मार्केट एक्सप्लोर नहीं किया, हमने बाकी के मार्केट एक्सप्लोर नहीं किए। हम अगर हम बोल सकते हैं तो एक एनालिसिस करके बोल सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स कितनी आ रही है, रिक्रूटमेंट्स कितनी आ रही है और कैसे हम क्या कर सकते हैं, वो भी लिंक्डइन वगैरह के थ्रू। अब मेरी अगर बात सुनोगे तो मैं बोलूँगा कि मोनस्टैक डेड है, लेकिन किन के लिए? जो कि अभी अभी बेसिक बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं और ख़ुद को ज़्यादा स्केल नहीं कर रहे उनके लिए वो एक डेड हो सकता है। क्यों? बेसिकली डेड का मतलब ये है कि यार कंपनी की है क्या बेसिकली हो रहा क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कंपनी में जो पुराने डेवलपर्स हैं, पुराने डेवलपर्स वो आ गए हैं। तो क्या है, ऑब्वियसली आप अगर खुद की अगर आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आपको अगर काम करवाना है तो इंस्टेड ऑफ हायरिंग एक बिगिनर पर्सन आप क्या बोलोगे कि यार इतने पैसे में अगर एक एक्सपीरियंस पर्सन मेरा काम करके दे रहा है तो डेफिनेटली ना आप उसको चूज़ करोगे। तो यही कुछ बातें हो रही है कि जो एक्सपीरियंस पर्सन है मार्केट में वो लोग आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो ये कुछ ऐसा ऐसा सीनियरियो है आपके सामने दिख रहा है। तो प्रॉब्लम किसको होने वाली है? जो लोग सोच रहे हैं कि यार मैं मोनस्टैक का बेसिक बेसिक करके छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब दूसरी बात कि हमें क्या करना चाहिए, तो यार मैं आपको एक जेन्युइनली बात बताता हूँ, मेरी एक टिप सुन लो कि देखो हमें खुद को स्केल करना पड़ेगा। कैसे स्केल करना पड़ेगा? आप सुन रहे हो कि यार AI आ रहा है और AI की वजह से बहुत जॉब्स जा रही है, ठीक है, ये बात है कि नहीं, लेकिन AI की वजह से बहुत सारी नई चीज़ें आ रही है, नई चीज़ें आ रही है जिसके वजह से डेवलपर्स खुद के टाइम को बचा के एक प्रोडक्टिव रिजल्ट्स ऑप्टिमल टाइम में ला सकता है। तो आपको एक ग्रोथ मेंटेलिटी के साथ उन चीज़ों के पास देखना चाहिए और जो चीज़ आपकी डेवलपमेंट टाइम को रिड्यूस करके आपको अच्छा डेवलपर बना सकती है उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज़ देखो क्या है ना कि आपने सुना कि मोनस्टैक डेड हुआ है, लेकिन आपको पता है कि मोनस्टैक ना MERN, आपने ये सुना क्या MEAN डेड हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या भाई, आप एंगुलर पे शिफ्ट हो जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी पे काम करना चालू कर दो, लाइक Node.js में आपके कुछ अच्छा एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है, क्योंकि देखो एट द एंड बैकएंड सबको लगने वाला है। सिर्फ क्या होगा कि बैकएंड में इंटीग्रेशन कुछ चेंज होगी, कुछ छोटी छोटी चीज़ें चेंज होगी, तो आपको ना अपडेटेड रहना पड़ेगा कि क्या इंडस्ट्री में जो आ रहा है आपको उसके ऊपर अपडेट रहना पड़ेगा। जो आपका टाइम, मतलब आपका जो टाइम है वो लेस यूज़ करके आप एक ज़्यादा अच्छा मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करो, आप उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बात है, लाइक और एक एग्जांपल दे सकता हूँ, लाइक रिएक्ट, पहले था हम रिएक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अगर आप अभी के एज में देखोगे, अभी के टाइम में Next.js 14 के बाद में सब लोग लाइक नेक्स्ट के वीडियोज़ ही आ रहे हैं। आप यूट्यूब पर देखो जो लोग प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल्स भी बना रहे थे वो मोस्टली Next.js के ऊपर है, सब प्रोजेक्ट जो है Next.js के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि यार Next.js बूम कर रहा है मार्केट में और एक अच्छा ऑप्टिमाइज बिल्ड आपको प्रोड्यूस करता है। तो ये बात एक हो जाती है कि आपको अपडेटेड रहना ही पड़ेगा। और हाँ, हमारा चैनल थोड़ा पीछे है क्योंकि हम हमारे क्लाइंट के हिसाब से नहीं, एक्चुअली हम हमारे सब्सक्राइबर्स के हिसाब से जा रहे हैं कि मैं बेसिकली एक जर्नी फॉलो कर रहा हूँ अगर आप मुझे चेक करोगे तो, लेकिन वो बात अभी के लिए छोड़ देते हैं। अब बात बचती है कि अभी हमें अर्न कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको अर्निंग की बात बताऊं, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको लिंक्डइन वगैरह पे आपके अकाउंट्स रहेंगे, नहीं है तो बना लो यार, बहुत अच्छा होता है।
आपको नए नए स्टार्टअप्स चेक करने चाहिए। पहले पहला सब सोर्स है कि स्टार्टअप्स को रीच आउट करो, क्योंकि स्टार्टअप्स क्या होते हैं आजकल, कैसे है सब लोग, हर एक बंदा एक स्टार्टअप निकालने की कोशिश करता है, बट उसमें से भी कुछ सेलेक्टेड पीपल है जो उनके आइडिया एग्जीक्यूट कर पाती है और एक स्टार्टअप निकल सकता है। तो आप क्या करते हो कि आप उनको अप्रोच करो कि मेरे भाई नहीं, एक्चुअली सर मैं ऐसे ऐसा काम करता हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, और हाँ प्रोजेक्ट्स आपके अच्छे करो, आप एनहांस करो खुद को, मुझे नहीं पता आप बेस लेवल पे हो, ये नहीं, खुद का ग्रोथ एटीट्यूड रखो और खुद के प्रोजेक्ट्स में दम लाओ, कुछ नई चीज़ें इंटीग्रेट करो। तो आप उनको बता सकते हो कि सर मेरे रिज्यूमे में ये प्रोजेक्ट्स है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके कंपनी के लिए काम करूँ। और स्टार्टिंग में ना, जब स्टार्ट करोगे तो प्लीज़ उनसे पेमेंट की ज़्यादा उम्मीद मत रखो, बिकॉज़ यार ऑब्वियसली आपको काम मिलना इस टाइम पर ज़रूरी है और अपना एक प्रेजेंस शो करना जरूरी है। और मैं इसके ऊपर और क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज क्या होता है कि जब स्टार्टअप जैसे एनवायरनमेंट में जाते हो, क्यों, तो आपके जैसे और लोग वहाँ पे होते हैं, तो आपको भले वहाँ पे पैसे कम मिले, लेकिन आपको वहाँ पे जो लर्निंग्स आती है बहुत अच्छी आती है। एंड हर एक बंदा जो कि काम कर रहा है वो मेरे से इस बात पे एग्री करेगा। अगर आप नहीं एग्री करते तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, और एग्री करते हो फिर भी कमेंट में बता देना। दूसरी चीज़ होती है कि फ्रीलांसिंग चालू करो। फ्रीलांसिंग चालू करो आपको हर एक बोलेगा, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि मोस्ट स्पेसिफिकली आप लोकल एरिया में फ्रीलांसिंग चालू करो। अब भाई वो कैसे करेंगे, मैं एक फ्रीलांसिंग के ऊपर एक एडवांस नहीं बट एक अच्छा इन डेप्थ ट्यूटोरियल लाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा। बट अगर आप कमेंट करो, अगर आपको चाहिए तो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस वहाँ पे शेयर करूँगा, खुद की टिप्स शेयर करूँगा और खुद के कैसा मैं करता हूँ वो शेयर करूँगा। लेकिन लोकल एरिया में रीच करो, बिकॉज क्या होता है कि आजकल जो भी लोग निकल रहे हैं, ओके, सो आजकल क्या है कि ये जो सोशल मीडिया वगैरह है ना, उन्होंने सब कुछ हाइप करके रखा है। सो आप एक लोकल एक अच्छा सा बिजनेस अगर ढूंढोगे ना, तो वो भी चाहता है कि उसकी एक अच्छी सी वेबसाइट हो और आपके पास मर्नस्टैक की ऑलरेडी स्किल्स है। मतलब क्या आप ब्रांड के लिए एक छोटी मोटी वेबसाइट या फिर उनका खुद का ब्रांड इस्टेब्लिश हो या फिर ऑनलाइन जाए, उसके लिए तो आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, बेसिकली उनको रीच करना है, उनके नंबर्स को कॉन्टैक्ट करो, उनको कोल्ड ईमेल करो, लेकिन ज़्यादा स्पैम करना प्लीज़ बहुत बुरा लगता है जब आप किसी को स्पैम करते हो तो। एंड देन उनको पूछो कि क्या आपको ज़रूरत है क्या इसका, और मैं इतने इतने प्राइस में करके दे दूंगा। और तो आपका सेकंड चीज़ एक हो गया। थर्ड क्या हो सकता है कि यार एक तो आप खुद का सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस चीज़ चालू करो, आप खुद का कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसके ऊपर आप लाइक यूज़र्स ड्राइव कर रहे हो एंड आपका मोनेटाइजेशन वगैरह हो रहा है, या फिर कुछ अलग आप लाइक आप कुछ AI टूल्स इंटीग्रेट करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसको लोग यूज़ करके अपनी लाइफ ईजी कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा करो। एंड फोर्थ चीज़ आपके अर्निंग के लिए मैं बोलूँगा कि फोकस करो खुद के ऊपर, फोकस करो कौन से चीज़ पे आप बेस्ट हो एंड कैसे आप उस चीज़ को और एक्सीलेंट कर सकते हो। तो लाइक गाइस, ये एक शॉर्ट वीडियो थी, मुझे प्लीज़ बताओ कि क्या ऐसे वीडियोस आने चाहिए हमारे चैनल के ऊपर, और मेरी क्या टिप्स आपको हेल्प कर रही है। इन शॉर्ट कि आप जो भी कर रहे हो ना वो बहुत सोच समझ के करो, आप जो भी सीख रहे हो बहुत सोच समझ के करो, और That's it for the video today. कैसी लगी वीडियो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ बुरा मत मानना भाइयों, क्योंकि मैं बहुत रॉ बोल रहा हूँ, ये वीडियो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक है। अगर आप मेरे से रिलेट कर रहे हो तो सही बात है। सी यू देन, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।